दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए एक धमाकेदार वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ और मज़ेदार बात है कि टीम केकेआर यहाँ पर एक बड़ा धमाका कर सकती है आईपीएल साल 2024 के मिनी ऑक्शन के लिए। बट हाँ, उसके लिए इनको यहाँ पर लॉकी फर्गसन, शार्दुल ठाकुर या कोई ना कोई एक बड़ी बेस प्राइस का प्लेयर इनको रिलीज करना पड़ेगा जिससे कि इनके पास पर्स मनी आ जाए, क्योंकि साल 2024 के लिए एक प्लेयर है जो एंट्री करने वाला है। इस प्लेयर का नाम आप सभी जानते हो, रिसेंटली न्यूज़ में भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस प्लेयर का नाम है मोहम्मद आमिर। अब मोहम्मद आमिर को कौन नहीं जानता, विराट कोहली के फेवरेट बॉलर हैं। बट हाँ दोस्तों, ये बात मैं आप सभी को बता दूं कि अभी इन्होंने इंग्लिश वीजे के लिए अप्लाई कर दिया और सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर दिया है, तो अभी एक साल इनके लिए बचा हुआ, यानी अब ऑलमोस्ट 6 महीने ही बचे रह गए। इनको सब कुछ लीगली अवेलेबल हो जाएंगे और लीगली ये आईपीएल खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब जैसे ही अपडेट आई कि मोहम्मद आमिर आईपीएल खेलने वाले साल 2024 का, तब से ही पूरे इंटरनेट के ऊपर धूम तो मची है। बट सभी आरसीबी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे फैंस हैं, वो काफ़ी एडिट कर रहे हैं मोहम्मद आमिर की फ़ोटो कि वो यहाँ पर आरसीबी में खेलेंगे। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, टीम केकेआर और जो भी है, जो भी यहाँ पर मोहम्मद आमिर को लेना चाहता है वो ऑक्शन के अंदर ही लेगा। सबके पास एक लिमिटेड पर्स ही, और अगले साल 2024 जो कि मिनी ऑक्शन है, बट साल 2025 जो है वहाँ मेगा ऑक्शन है, तो उसके लिए प्राइस भी बहुत मद्देनजर करनी पड़ेगी। तो ये देखते हुए मोहम्मद आमिर की जो नीड रिक्वायरमेंट है वो की टीम केकेआर को सबसे ज़्यादा है, और कोई टीम भी हो सकती है तो हो सकती है, बट वो आरसीबी में तो डायरेक्टली नहीं जा रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ मोहम्मद आमिर क्या आपको लगता है टीम केकेआर में खेलेंगे तो तूफान मचा देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।